भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि उत्पादन का बहुत बड़ा योगदान है। यही वजह है कि बिहार सरकार और प्रशासन अपना पुरजोर प्रयास इस क्षेत्र के विकास और उत्थान में कर रहे हैं, चाहे वो जैविक कृषि प्रणाली हो या फिर समेकित कृषि प्रणाली। बिहार सरकार हर नई और उपयोगी कृषि पद्धति को अपनाकर कृषि जगत में लगातार आगे बढ़ रही है। सिर्फ यही नहीं, कृषकों के मनोबल को बढ़ावा देने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, प्रधान सचिव और कृषि आयुक्त जैसे बड़े पदाधिकारी समय समय पर किसानों के बीच उनके खेतों में जाकर मिलते रहते हैं और उन्हें कृषि के लिए जरूरी मदद भी सुनिश्चित करते हैं। सरकार की इस कोशिश का ही फल है कि आज राज्य के कई किसान अपेक्षाकृत सराहनीय काम करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्रतिभाशाली कृषक हैं गया जिले के राम सेवक प्रसाद, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से कृषि क्षेत्र को एक नया आयाम दिया। गया के डोभी प्रखंड के एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले 53 वर्षीय राम सेवक प्रसाद अपनी पैतृक 6 एकड़ जमीन पर साधारण खेती करके अपने संयुक्त परिवार का भरण पोषण बमुश्किल कर पा रहे थे। आर्थिक संकट से उबरने के लिए उन्होंने खेती बाड़ी का पैतृक काम छोड़कर ट्रक चालक के तौर पर काम करना शुरू किया। इस दौरान उन्हें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर जाने का मौका मिला। यहीं उन्होंने कृषि कार्य को बारीकी से देखा और प्रेरणा लेकर अपने खेतों में सब्जी उत्पादन का काम शुरू किया। जब हम गाड़ी चलाते थे उस समय हरियाणा पंजाब का हम सफर किया करते थे। हरियाणा पंजाब की कृषि को देखकर हमको ऐसा लगा कि हमको भी अगर हम इस प्रकार का कृषि को करेंगे तो हम भी यहाँ के फार्मर जैसा बन सकते हैं, समृद्धशाली। वही देख करके हमने 1990 के बाद गाड़ी चलाने का काम छोड़ दिया और उसके बाद पिताजी का जो हमारे पास जमीन था उसमें हम खेती शुरू किए। नई तकनीक के उपयोग से सब्जी की उगाई में इन्हें काफी मुनाफा होने लगा और इनकी आमदनी में लगातार सुधार आने लगा। सब्जी के उत्पादन के साथ साथ राम सेवक प्रसाद बागवानी की ओर जागरूक हुए और इन्होंने अपनी एक एकड़ जमीन पर आम के 101 पेड़ लगाए। कृषि के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और सबसे अच्छी बात है कि कुछ यहाँ के जो जागरूक किसान भाई हैं वो अपने बलबूते पर कृषि को एक नया आयाम देने में लगे हैं। उसमें प्रमुख नाम है एक डोभी प्रखंड के अंतर्गत केसापी गांव के रामसेवक महतो का, जो कि एक छोटे किसान होते हुए भी उन्होंने अपने खेती से एक पूरे सिर्फ जिले के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए एवं पूरे देश के लिए एक उदाहरण उन्होंने वहां पर पेश किया है। 6 एकड़ जमीन होते हुए भी वो उनका वार्षिक आय उससे कम से कम 3 लाख रुपया है और उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है जिसमें कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड वो करते हैं और एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जबकि उनके जो खेत है उसमें कोई क्रॉप नहीं लगा होता है। काफ़ी अच्छा वो इंटेंसिव क्रॉपिंग करते हैं, बागवानी भी है, सब्जी की भी खेती करते हैं, उसके साथ साथ धान एवं गेहूं की भी खेती करते हैं। तो एकदम समेकित रूप से वो खेती करते हैं और बड़े ही अच्छे किसान हैं। और सबसे अच्छी बात ये है उनके बारे में कि वो अपने खेती से बड़े खुश हैं। आदमी जब तक अपने व्यवसाय के प्रति, अपने कार्य के प्रति पैशनेट नहीं होगा तब तक वो उसे कभी सफलता नहीं हासिल हो सकती है। और मुझे लगता है कि रामसेवक जी के सफलता के पीछे उनका खेती के कार्य में रुचि एवं पैशनेटली काम करना ही सबसे बड़ा कारण रहा है उनके खेती में सफलता का। इस तरह इन्होंने समेकित कृषि प्रणाली का भी भरपूर उपयोग करना शुरू किया।
विभिन्न तरह की सब्जियां और बागवानी एक ही साथ एक ही जमीन पर करके उन्होंने अपने किसान साथियों के सामने समेकित कृषि प्रणाली की तस्वीर रखी। धोबी प्रखंड के ग्राम किसाफी के श्री राम सेवक महतो के द्वारा अपनाई जा रही समेकित कृषि प्रणाली को के द्वारा कृषि को कैसे लाभकारी बनाया जा सकता है, यह जिले एवं राज्य के किसानों के लिए अनुकरणीय है और कृषि को लाभकारी के साथ साथ आनंददायी तरीके से करने का उदाहरण पेश करने वाले श्री रामसेवक महतो के उज्जवल भविष्य के लिए आत्मा गया सदैव तत्पर है। राम सेवक प्रसाद की मेहनत रंग लाई। आम के बगीचों से जहां उनको सालाना 1 लाख की आमदनी हो रही थी, वहीं सब्जियों के उत्पादन से सालाना 50,000 रुपए की कमाई उनके खाते में दर्ज होने लगी। लेकिन उनके कदम यहीं नहीं रुके। सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए जिला कृषि कार्यालय आत्मा और कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर साथ ही राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के संपर्क में आए, जहां से राम सेवक को कृषि प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। उसी प्रशिक्षण का उपयोग उन्होंने अपनी जमीन पर सधे हुए तरीके से बेहद खूबसूरती के साथ किया। आत्मा के द्वारा हमने बहुत स्थानों पर जो दूसरे राज्यों में पंतनगर, पूना और समस्तीपुर और भागलपुर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में जो हमको मौका मिला ट्रेनिंग करने का, हमारी कृषि ज्ञान में 4 चांद लगा दिया और काफ़ी ज्ञान की वृद्धि हुई। और आज उसी का वरदान स्वरूप है कि आप देख रहे हैं कि मैं मामूली तौर से किसी तरह से जीवन यापन करने वाला किसान अब बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं किसान हूँ। इनकी जमीन पर जहाँ एक ओर समेकित कृषि प्रणाली का उपयोग हो रहा है, वहीं इन्होंने यहाँ गौ पालन की भी व्यवस्था की हुई है। सिर्फ यही नहीं, इनका नाम वर्मी कंपोस्ट की शुरुआती यात्रा में भी उल्लेखनीय है। वर्मी कंपोस्ट यानी जैविक खाद्य प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कृषि जगत में क्रांति आ गई है। इस प्रणाली की मदद से न केवल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम होता है, बल्कि इससे उत्पादन क्षमता में भी भारी बढ़ोतरी होती है। पहले हमारे पास गोबर गैस प्लांट था, जिसके तहत गैस और गोबर बचा हुआ सैलरी के रूप में कंपोस्ट मिल जाता था, जो हमको खेती करने में काफ़ी मदद हुआ। अब उसके बाद हम तो अपने स्तर से खेती करते थे, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे हम एराइज किए, बढ़ते गए। लेकिन जब हमको सरकार के द्वारा सरकार के समक्ष हमको जाने का मौका मिला, एक किसान साथी BSF के जवान रिटायर हो गए थे, उन्होंने कहा कि राम सेवक जी, आप इतना अच्छा फार्मर हैं, आप अपने उत्पाद कृषि मेला में लगाइए, आपको सरकार तारीफ करेगी और सरकार के नज़रों में आप सरकारी मदद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। हम अपना उत्पाद ले गए कृषि मेला में और वहाँ जब लगाए तो मैं आधी प्रतियोगिता जिला का अकेले हमने जीता। इसी वजह से सरकार भी वर्मी कंपोस्ट प्रणाली पर जोर दे रही है। राज्य के प्रत्येक जिले में बढ़ते जैविक खाद्य के उपयोग से इस बात का पता चल जाता है, लेकिन इस प्रणाली को बढ़ावा देने का श्रेय राम सेवक को ही जाता है। गोबर गैस और वर्मी कंपोस्ट के अलावा इनकी जमीन पर सोलर सिस्टम और अन्य उन्नत कृषि यंत्र भी उपलब्ध हैं, जो किसी न किसी तरह कृषि क्षेत्र में बेहद उपयोगी हैं। राम सेवक महतो जो ग्राम केसापे प्रखंड डोभी गया के किसान हैं, इन्होंने समेकित कृषि प्रणाली पर बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है और इनके 5 एकड़ का जो इनका खेत है, इन्होंने प्रत्येक चीज़ गौ पालन, वर्मी कंपोस्ट, बायोगैस, उद्यान, सब्जी, फसल, सभी क्षेत्र सभी फसलों को लगा रखा है और इनके प्रत्येक अवशेष का आपस में एक दूसरे का प्रयोग हो रहा है। जैसे मवेशी का गोबर है उसका ये प्रयोग कर रहे हैं बायोगैस में, बायोगैस का सिलरी का प्रयोग कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट में और वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर रहे हैं खेत में, और खेत के जो फसल लेने के बाद अवशेष बचते हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट में। हम ये कह सकते हैं इनके यहाँ कोई भी और चीज़ ऐसी नहीं जो जिसका प्रयोग ये नहीं कर रहे हों, और
हम चाहते हैं कि राम सेवक की तरह अन्य किसान भी इनको देखकर इनसे प्रेरणा लें और समेकित कृषि प्रणाली पर काम करें। कृषि क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर चुके राम सेवक आत्मा के सहयोग से किसान प्रक्षेत्र पाठशाला का भी संचालन कर रहे हैं, ताकि किसानों को कृषि जगत के बारे में ज्यादा से ज्यादा तकनीकी जानकारी दी जाए। आज ये अपने काम से बेहद संतुष्ट हैं, लेकिन भविष्य में कृषि जगत में कुछ नया करने की उनकी चाह अभी भी बरकरार है। आखिरकार वो दिन आ गया, अब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे 28 जनवरी को हमारे घर आए, हमारे बागवानी देखे, हमारे बर्मी कंपोस्ट देखे और केचुए खाद का जो हमने आज पूरी तरह से, मैं सोच रहा हूँ कि बर्मी कंपोस्ट पर ही मैं अपना कृषि काज को आगे बढ़ाऊँगा, मात्र 25% और रासायनिक उर्वरक हम प्रयोग करते हैं। मैं केचुए खाद से समेकित कृषि में अभी जो हम बागवानी लगाए हैं, बागीचा लगाए हैं, उसमें मिला जुला खेती जो हम करते हैं, बागवानी में आदि और हल्दी की जो प्रचुर मात्रा में जो खेती करते हैं, हमको भी उम्मीद नहीं लगता कि इतना पैसा इससे होगा, उतना पैसा हमको मिलता है, काफी आनंददायी जीवन हम व्यतीत करते हैं। किसानों के लिए प्रेरणा बनकर उभरे राम सेवक प्रसाद न केवल अपने गांव और साथियों के बीच ही मशहूर हैं, बल्कि उनके कार्य की सराहना तो पूरा राज्य करता है। 20 जनवरी सन 2010 को राज्य के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लिखित ये पत्र यही दर्शाता है।